दोस्तों आज हम आप लोगों को जूनो जीआई के टोन के बारे में बताने जा रहे हैं कि टोन कैसे बनाते हैं। मैं पहले भी वीडियो डाला था जूनो जीआई का टोन, पियानो और बैंजो का टोन हम पहले भी डाले थे आपको, लेकिन आज हम आपको वो करके दिखाएंगे, बना करके दिखाएंगे कि कैसे आप जूनो जीआई कीबोर्ड में अपने से खुद से टोन, किसी भी सॉन्ग का टोन बना सकते हैं। जैसे बैंजो का टोन हो गया, ब्रास हो गया, वायलिन हो गया, सहनाई हो गया, बहुत सारे टोन हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। आप लोग से आशीर्वाद चाहता हूँ मैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, दूसरों लोग को भी बताइएगा, ऐसे जिनको बनाने नहीं आता है कोई भी टोन उसको भी थोड़ा सा सहायता मिल जाए इस वीडियो से, ठीक है। दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो हम पहले आपको बैंजो के बारे में बताना चाहता हूँ कि बैंजो कैसे बनाया जाता है जूनो जीआई में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये टोन, आजकल ज़्यादा यूज किया जाता है भोजपुरी सॉन्ग में, फोक सॉन्ग में बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। दोस्तों तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम टोन चुनेंगे, कौन कौन से टोन लगाए जाते हैं। अभी मैंने क्या किया है कि थ्री लेयर में मैंने बैंजो का इस्तेमाल किया है, टोन लगा कर बनाया है बैंजो, एक लेयर में मैंने स्प्लिट इस्तेमाल किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होता है, वो भी चाहता है कि स्प्लिट के साथ कोई बैंजो रहे तो अच्छा रहे बजाने में लोगों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंजो का टोन मैंने बनाया है, ऊपर से जो तीन लेयर हैं हर्प कोटो हर्प, ये तीन टोन से मैंने बैंजो का टोन बनाया है, और नीचे में है फैंटासिया, ये मेरा स्प्लिट टोन हुआ, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको कौन कौन टोन लगा है, पहले नंबर देख लीजिए, सब देख लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब हम लाइव सेट चेंज कर रहे हैं, देखिए दोस्तों ये मैंने लेवल सबको दिया है, कितना कितना लेवल, कितना क्या क्या चीज़ में कितना कितना लेवल दिया हुआ है सब आप देख लीजिए यहाँ से, देखिए स्प्लिट का टोन लेवल क्या है। बाकी थ्री लेयर में जो टोन मैंने दिया है वो देख लीजिए आप, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये देख लीजिए ये ऑक्टेव हो गया, फाइन कितना कितना किया हुआ है सब देख लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। अब मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए मैंने आगे बढ़ा, ये अच्छे से देख लीजिए आप लोग ताकि आप लोगों को दिक्कत ना करे बनाने में, देख लिया। हम अब आगे बढ़ते हैं फिर से, देख लीजिए एक ही रेंज लो और हाई करने का है, लो ऑक्टेव में सॉरी लो लेयर में कितना है और अपर लेयर में कितना है, देख लीजिए। आगे बढ़ता हूँ मैं फिर से, ये देख लीजिए कट ऑफ वगैरह है, रेजोनेंस वगैरह, अटैक रिलेशन सब देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, बाद में दिक्कत ना करे आपको आप लोगों को बनाने में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ फिर से, इसमें मैंने कुछ नहीं दिया है, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें, चलते हैं आगे। ये देखिए इसमें मैंने सब ऑफ रखा है, ठीक है। अब और आगे बढ़ता हूँ मैं, इसमें देख लीजिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये इसके बिना बैंजो टोन नहीं बनता है, बैंजो के लिए ये करना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए,
इसमें तो कुछ करना नहीं है, सब ठीक है, बाकी सब ये ऑफ है। सस्पेंशन मैंने स्प्लिट को ऑफ रखा है, ठीक है, मैंने इसके डिस्प्ले के अंदर से ही काम किया है कि अपर लो जो इसका ये करने वाला है, देखिए जैसे यहाँ देखिए बताते हैं, ये मैंने यहाँ से काम किया है, ये देखिए मैंने यहाँ से काम किया है, यहाँ से सब स्प्लिट जितना रखना है और मेन में जितना रखना है मैंने यहाँ से किया है, स्प्लिट मेरा ऑफ है देख लीजिए आप, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में, मैं मेनू दाब रहा हूँ, ठीक है, मेनू में गए हम लोग, मेनू में दाग गए, अब इफेक्ट एडिट में जाएंगे, ठीक है, फिर हम इसको ऑन करेंगे, इंटर दबाएंगे, देख लीजिए इसमें क्या क्या हमने मिलाया है, अच्छे से देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, ठीक है। और भी मैं दिखा देता हूँ कुछ, एम एफ एक्स में क्या क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए दोस्त, मैं नीचे बढ़ रहा हूँ, देखना बस इतना ही है, और अभी मैं थोड़ा वापस आता हूँ, पुरस्त में देख लीजिए पुरस्त में क्या है, सब मैं ऊपर नीचे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, रिवर्ब, रिवर्ब देख लीजिए, सारी चीज़ मैं दिखा दिया मैंने ताकि अच्छे से आप लोग बना सके बेंजो टोन, फिर से वापस ऊपर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एम एफ एक्स वन भी है और टू भी होती है, तो मैंने तो वन को दिखाई दिया आपको, अब मैं टू को भी दिखा दे रहा हूँ, टू भी देख लीजिए क्या है, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बस इतना ही था, इतना ही आप लोग कीजिए और अच्छा बजट में बनेगा, और आप लोग अच्छे से इस्तेमाल कीजिए भाई, क्योंकि टोन बनाने में ही सबको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अच्छा से टोन बनाना, कैसे बनाएं कैसे नहीं बनाएं लोग सोचते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, आप ज़रूर हमको अपना कमेंट्स दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा हाँ, मैं इसको बजा के दिखा देता हूँ, ठीक है, इधर मैंने स्पीड में लगाया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा आप हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, और वैसे ही मैं एक एक करके टोन को आपके सामने पेश करूँगा। दोस्तों आज हम आप लोगों को जूनो जी आई के टोन के बारे में बताने जा रहे हैं कि टोन कैसे बनाते हैं। मैं पहले भी वीडियो डाला था जूनो जी आई का, टोन पियानो और बैंजो का टोन हम पहले भी डाले थे आपको, लेकिन आज हम आपको वो करके दिखाएंगे, बना करके दिखाएंगे कि कैसे आप जूनो जी आई कीबोर्ड में अपने से खुद से टोन किसी भी
सॉन्ग का टोन बना सकते हैं, जैसे बैंजो का टोन हो गया, ब्रास हो गया, वायलिन हो गया, सहनाई हो गया, बहुत सारे टोन हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। आप लोग से आशीर्वाद चाहता हूँ मैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, दूसरों लोग को भी बताइएगा, ऐसे जिनको बनाने नहीं आता है कोई भी टोन, उसको भी थोड़ा सा सहायता मिल जाए इस वीडियो से, ठीक है दोस्तों। मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो हम पहले आपको बैंजो के बारे में बताना चाहता हूँ कि बैंजो कैसे बनाया जाता है जुनूजाई में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये टोन, आजकल ज़्यादा यूज किया जाता है भोजपुरी सॉन्ग में, फोक सॉन्ग में बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं शुरू करता हूँ।